प्रेमी भगत नु पूर्ण गुरु केतानाथ जी उनके आदेश से नाई बुलवा करके उनका जटा मुंडन करा करके पंचपीरों वाले जोड़ पर विधिवत जल समाधि दे देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के आसपास भयंकर बीमारी फैल जाती है। बीमारी फैलने की खबर से विचलित हो जाते हैं सभी। इसका निदान करने का ध्यान किया कैसे बताया है। सोमनाथ नगरी के दुख निमटान करण लागे, पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। सोमनाथ नगरी के दुख निमटान करण लागे, पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। नगरी में नित बड़े बीमारी देख जगर दहलाया, रोज मबर के शत संत ने हरी मध्यान लगाया। आदेश बंदगी हो, आदेश बंदगी कर गुरु को भगवान रटन लागे। पच पीरों के जोड़ बजा ऐलान करण लागे। सोमनाथ नगरी के दुख निमटान करण लागे, पच पीरों के जोड़ बजा ऐलान करण लागे। बस्तियों साधु की माता सतगुरु जी की सीख यही, कैसे आवे चैन हमें जब नकल मात की चीख रही। अपना धर्म ओ, अपना धर्म जान के बाबा सारे बयान करण लागे। पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। सोमनाथ नगरी के दुख निमटान करण लागे, पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। रोग पीलिया जान कलेवा नहीं किसी के प्राण हरे, दाद खास को हुनसी फोड़ा नहीं जन को परेशान करे। वो रोग मुक्त रे ओ, रोग मुक्त रे नगरी सारी अनुमान करण लागे। पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। सोमनाथ नगरी के दुख निमटान करण लागे, पच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। करके भरोसा सच्चे मन से जो भी आए स्नान करे, तन की ताप मिट पलवर में बलि गुरु भगवान करे। वो राम कृष्ण सत हो, राम कृष्ण सत वतन संत के गुणगान करण लागे।
पांच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे। सोमनाथ नगरी के दुख नमटान करण लागे। पांच पीरों के जोड़ पजा ऐलान करण लागे।